भाई तू आज जा रहा है ना? हाँ। कब आएगा फिर? ना तेरी पॉकेट में से पैसा चुरा रहा है। तब की ये क्या कर रहा है रे? अभी लात जूता सब खाएगा, बता सही से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? होप करता हूँ गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। भाई तो अभी सुबह के देखो बज रहे हैं भाई साहब 6, और आज 6 बजे हम लोग सुबह सुबह एकदम उठ रहे हैं, क्योंकि जानते हो आज फैजान फर्रो और ये सब भी पूरी फैमिली की, ये लोग की टिकट है, तो ये लोग जा रहे हैं मुंबई रिटर्न भाई। तो अभी ये लोग को छोड़ने के लिए भी जाना है, तो हम भी उठ चुके हैं भाई फटाक से, अभी फ्रेश भी नहीं हुए, तो अभी सबसे पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद कोई काम। भाई तू आज जा रहा है ना? कब आएगा फिर? अभी 2 महीने बाद। हाँ, दो महीने और 2 साल में फर्क ही नहीं है इनको भाई। चलो अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं भाई। नहाएगा नहीं क्या रे? ऐसी जाएगा? तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट में भाई रिस्क होता है, हमेशा सही डिसीजन ले और अपना रिसर्च खुद करें। तो गाइस आज मैं आप लोगों को क्रिप्टोनॉमी नाम की एक बेहतरीन वेबसाइट बताना चाहता हूँ। क्रिप्टोनॉमी वास्तव में वेब 3 के स्टार्टिंग स्टेज के क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है। भाई साहब आप इसमें इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, इसमें उन लोगों को वापस प्लेबैक मिल रहा है जो भाई साहब इस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भाई क्रिप्टोनॉमी के पास यूके फाइनेंशियल लाइसेंस है, और भाई इसमें बिटको के साथ कैपिटल इंश्योरेंस भी है। तो भाई आप इस प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। भाई आप इसमें एक अपना इंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और भाई आप इसमें स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो पे इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। इसमें काफी सारे अलग अलग क्रिप्टो है जिसमें आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो भाई, और भाई इसे आप फ्लेक्सिबल स्टैकिंग की तरह भी कर सकते हैं, जहां आप कॉइन डिपॉजिट करते हो, और भाई आप किसी भी टाइम अपने कॉइन्स को लेने के साथ 37% तक आप रिसीव कर सकते हो। और भाई हम यहां पे अर्निंग करने के लिए अपने इंटरेस्ट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, आपको यहां पे दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है भाई। लेकिन इससे पहले प्रोजेक्ट में लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें लार्ज सिस्टम है, जिससे भाई आपका प्रॉफिट जो है वो इंश्योर रहता है। भाई यहां पे एक लॉन्च पूल है जो इस कंपनी में एक प्रोडक्ट है, और भाई यहां पे कंपनी आपके पैसों का यूज शुरुआती स्टेज में इन्वेस्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए करती है भाई। तो भाई इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको इस पे एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए भाई आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट बना सकते हो। भाई मैं अपने वॉलेट में जाकर देखता हूं, तो ये देखो भाई मुझे यहां पे ढेर सारे एसेट्स दिख रहे हैं, और भाई अगर आप चाहो तो इन पर डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो गाइस अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जहां पर मेरे स्टेबल कॉइन्स में यूएसडीटी है। तो गाइस अब मैं विड्रॉल करने के लिए विड्रॉल पे सिंपली क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ यूएसडीटी टीआरसी नेटवर्क चूज करता हूँ। तो गाइस अब मैं अपना एड्रेस इनपुट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे $700 विड्रॉल कर लिया है, जो कि भाई मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा, और आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको भी 24 घंटा लग सकता है भाई। तो गाइस क्रिप्टोनॉमी पे जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और देखो ये कैसे काम करता है। तो अगर आप इस डिफिकल्ट मार्केट से इनकम अर्न करना चाहते हैं भाई, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दें भाई। तो गाइस अभी जाओ क्रिप्टोनॉमी कमेटी को ज्वाइन करो, और यहाँ पे अक्सर गिव अवे और इवेंट्स होते रहते हैं भाई, जिससे गाइस यहाँ पर हर कोई एडिशनल प्रॉफिट पा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। फर्रो का बौनी हो गया सुबह सुबह। सही है बॉस, जा रहा है फर्रो तू? हाँ लो भाई, फिलहाल अभी हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, चलो गाड़ी निकालते हैं भाई। तो फिलहाल भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं, स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, और ये लोग की 7:30 बजे की फ्लाइट बोल रहा हूँ, ट्रेन है भाई, तो एक्चुअली थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। सीधे सीधे ऐसे, हाँ बस। अरे यार उसको रहने दो ना वहाँ। चल भाई, फैजान भाई मिलते हैं। हाँ चलो भाई, शादी में मिलेंगे। कब आएगा फर्रो? 2 साल के बाद। चलो ठीक है, चलो भाई चाचू और तौफीक भैया जा रहे हैं छोड़ने के लिए, भाग घर पे जा भाग। तो फिलहाल देखो भाई अभी फर्रो और फैजान लोग चले गए फाइनली, और अभी देखो हम सोने जा रहे हैं भाई, क्योंकि अभी नींद तो पूरी हुई नहीं है, तो चलते फटाक से सोते हैं, उसके बाद फिर सोने के बाद आपसे मिलते हैं आराम से। ओके चलो। तो फिलहाल गाइस अभी देखो बज रहे हैं दोपहर के 1, और अभी देखो हम लोग फाइनली उठ चुके हैं भाई, फटाक से नहा धो लिया और फ्रेश हो लिया। बाहर बहुत तगड़ी हवा चल रही है भाई, एकदम गरम गरम वाली, तभी हम लोग घर पे ही है भाई। बाय द वे पता नहीं क्यों गाइस, जानते हो आज मैं सुबह तो उठा ही था, बट जब अभी सोया ना फिर से और फिर उठ रहा हूँ ना, तो पता नहीं क्यों सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है भाई, हेडेक हो रहा है, तो चलेंगे अभी दवा लेके आएंगे फटाक से। तो अभी देखो गाइस जीशान भी नहा के आ चुका है, और देखो घर पूरा खाली हो चुका है भाई, फर्रो और फैजान सब लोग चले गए ना, अभी धीरे धीरे सब लोग खसक लेंगे भाई घर से। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये देखो मैंने अपना कबर्ड फिर से पूरा सेटअप कर लिया है, मतलब जानते हो पूरा, जानते हो बिखरा पड़ा हुआ था सारा मेरा कपड़ा वगैरह, तो फिर से मैंने पूरे अच्छे से लगा दिया है। और ये देखो भाई हम लोगों ने मुंबई से लेके आया MC स्टैंड वाला चश्मा। इससे रैप करेगा जीशान पहन के। भाई फिलहाल सबसे पहले हम चलते हैं दवा लेके आते हैं भाई, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, सर बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं।
चलो भाई फाइनली मिल गई गोली। और ये लो भाई साहब फाइनली इरफान से मिलो भाई काफी टाइम बाद। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। 20 दिन बाद आ रहा हूँ ब्लॉग में, 20 दिन बाद आ रहा है इरफान। और सब मजे में? एकदम बढ़िया। सबसे पहले ये बताओ ट्रिप कैसा था? ट्रिप एक नंबर था। हाँ जीशान मजा आया ना? क्यों, मुंबई घूमे, गोवा घूमे, मजा तो आया। लेके जाते हैं साथ। नहीं ये गोवा नहीं गया। तो चलो भाई फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं चौराहे पे ऐसे घूमने के लिए। और मैं देखो दवा भी नहीं खाया अभी मैंने। तो फिलहाल देखो भाई अभी हम लोग रास्ते में जा रहे थे, अपनी गाड़ी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, जो कि बहुत पहले से है, कुछ दिनों से एक्चुअली। जानते हो लेफ्ट साइड वाले टायर का आगे वाले का ना हवा बार बार निकल जाता है, आई थिंक उसमें 5 या 6 पंक्चर है भाई। तो देखो हवा देखो कितना कम हो गया भाई, ये देखो 28 पे आ गया है, जो कि रहना चाहिए आई थिंक 35 या 40 ऐसे कुछ। तो अभी चल रहे हवा डलवाते हैं, फिर ह्युंडई पे कॉल करके पूछेंगे भाई इसका सोल्यूशन क्या है। 4-5 पंक्चर है एक्चुअली ना, एक होता तो हम बनवा भी लेते। अभी फिलहाल हवा डलवाते हैं भाई। ये लोग पंचर की दुकान ही बंद है भाई, हवा भी नहीं डला सकते अभी। तो भाई फिलहाल देखो अभी हम लोग खाने आ गए हैं राइस, तो अभी फिलहाल राइस खाएंगे, उसके बाद फिर दवा खाएंगे भाई। भाई यहाँ का राइस बहुत ही मस्त होता है। जानता है जीशान क्या खाएगा? क्या? गुलाब जामुन। जीशान मंगाया नूडल्स। ये लो भाई फाइनली हमारा राइस आ गया। तो देखो भाई फिलहाल अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, अभी हो चुकी है रात एकदम पूरी। और ये लोग देखो बॉल वगैरह खेल रहे थे ना, तो बॉल चले गया घर के पीछे, तो ये लोग ढूंढने आए रात में भाई। मिल गया। ये देखो भाई समायरा भी आई ना, मुझे कुछ बता रही है भाई, इसने कुछ देखा है। क्या हुआ? जीशान ना तेरी पॉकेट में से पैसा चुरा रहा है। वक्त तुम की सही में? ये क्या कर रहा है रे? क्या पैसा गिन रहा था? क्या कर रहा है सही बता दे। गिन रहा हूँ, देख रहा है। अभी लात जूता सब खाएगा, बता सही सही क्या कर रहा था? ये पैसा चुरा रहा था। चुरा कहाँ, एक भी रखा, देख ले तेरा सारा पैसे के पैसे। मुझे नहीं पता है कितना, मैं गिना उना नहीं हूँ भाई। देख ले, गिन के अपना देख ले तू। पैसा चुरा रहा था ना? सही बता। चुरा नहीं, देख ले, गिन रहा था, देख ले। पैसा निकाला था? गिन रहा हूँ कह रहा हूँ। तू चोरी कर रहा था? कहाँ चोरी कर रहा हूँ, देख ले मेरे पास पैसा है भी, देख ले है, देख। मैं देखो ये निकाल रहा था। पगली हम का करेंगे, निकाल रहे थे, मेरे पास है, देख ले तो ले। क्या कर रहा था यहाँ पे, ये बता। निकाला भी हूँ। सही बता जान, क्या कर रहा था? हम सब लाने जा रहा था, पैसा थोड़ा कम पड़ रहा था। पक्का? इसीलिए निकाल रहा था, तो पूछना नहीं चाहिए था। चोरी करके लेके जा रहा था, देख लो। जा छोटा वाला लेके, बात कल जा, अब जा यहाँ से। अब उसको क्या मार रहा है रे, हट छोड़। तो फिलहाल गाइस अभी देखो हम लोगों ने फाइनली खाना वगैरह खा लिया है, अभी रात के बज चुके हैं भाई साहब 11। तो देखो हमारे घर पे अभी लाइट कट गई थी भाई, क्योंकि जानते हो सुबह इतनी हवा चल रही थी ना, इसकी वजह से लाइट कट हो गई थी। तो अब जाके रात में लाइट आई है भाई, अब मस्त नींद लेंगे एकदम। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड गाइस। अगर अच्छा लगा ये ब्लॉग तो एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ब्लॉग। चलो गाइस टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय।